सब्सक्राइब कीजिए परितोष टेक्निकल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परितोष टेक्निकल में। और आज इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं बोट रॉकर्स 330 प्रो वायरलेस नेकबैंड का। 10mm का ड्राइवर दिया गया है, जहां पे आपको इमर्सिव ऑडियो प्रोवाइड किया गया है। IPX5 वाटर रेसिस्टेंट के साथ में आता है और ये मैग्नेटिक ईयरबड्स है। अगर आप इसे 10 मिनट चार्ज करोगे तो आपको 20 आवर्स का ये बैकअप दे देता है। तो चलिए करते हैं इसका फुल रिव्यू और बताते हैं कि 1500 रुपीज़ में आपके लिए वायरलेस नेकबैंड कैसा होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम परितोष है और आप देख रहे हैं परितोष टेक्निकल। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन हमारी वीडियो के टाइम में मिल जाए। और गाइस, वीडियो को लाइक कर दो। तो चलिए करते हैं फुल रिव्यू बोट रॉकर 330 प्रो का। गाइस, अनबॉक्सिंग हमने कर लिया है और बॉक्स कंटेंट मिल जाता है बोट रॉकर्स 330 प्रो। और मैंने मंगाया है ब्लेजिंग येलो कलर, देखने में काफी मस्त लग रहा है। जैसा कि आप देख सकते हो गाइस, बहुत ही लाइट वेटेड नेकबैंड है। इसे हम साइड में रखते हैं। यह आपको दिया गया है USB to USB टाइप सी केबल इसे चार्ज करने के लिए। तो टाइप सी केबल यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है बोट की तरफ से। 2 पेयर्स ऑफ एक्स्ट्रा ईयर ट्यूब्स मिल जाते हैं, तो अपने कानून के अनुसार आप यहाँ पर चेंज कर पाओगे। 1 ईयर की वारंटी के साथ में आता है, तो 1 साल की वारंटी आपको यहाँ पर मिल जाती है। और यहाँ पे आपको मिल जाता है यूज़र मैनुअल, तो आप इसे पढ़ सकते हो। सारे स्पेसिफिकेशन यहाँ पर मेंशन आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे मिल जाता है बोट की तरफ से आपको स्टिकर, जो कि आप देख सकते हो कि ऐसा स्टिकर आपको दिया गया है बोट की तरफ से। तो गाइस, बॉक्स कंटेंट में आपको ये सारी चीजें मिल जाती हैं। गाइस, अगर बात करें मेरे फर्स्ट इंप्रेशन की, तो ये है बोट रॉकर्स 330 प्रो। वैसे 4 कलर्स में अवेलेबल है, ब्लू, ब्लैक, येलो और रेड। बात करें इसके बिल्ड इन क्वालिटी की, तो नेकबैंड की जो बिल्ड इन क्वालिटी है वो मुझे काफी बढ़िया लगी। सॉफ्ट सिलिकॉन ऊपर में जो आपको मटेरियल है वो प्रोवाइड किया गया है नेकबैंड में, जिसकी क्वालिटी काफी अच्छी है। और ये जो नेकबैंड है लाइट वेटेड है, इसे किसी भी एंगल में मोड़ोगे या घुमाओगे तो नेकबैंड को कुछ भी नहीं होने वाला है। आप इसे अपने पॉकेट में भी इजिली कैरी कर सकते हो। आपको दिया गया है राइट और लेफ्ट, जहाँ पे आपको बोट की ब्रांडिंग मिल जाती है। तो यहाँ पर राइट में आपको सारे कंट्रोल बटन दिए गए हैं, जो कि वायर के ऊपर आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर जो बीच में बटन आपको दिया गया है मिडिल में, यह है पावर ऑन और ऑफ का बटन। और उसके बगल में आपको प्लस और माइनस का बटन दिया गया है, जिससे आप वॉल्यूम को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो और मीडिया को कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट दिया गया है नीचे में, जैसा कि आप देख रहे हो टाइप सी पोर्ट आपको दिया गया है, तो आप इसे चार्ज कर सकते हो। इसके अंदर में 150 mAh पावर की बैटरी आपको प्रोवाइड की गई है, जो कि लेता है 1 आवर फुल चार्ज होने में। और जब आप इसे फुल चार्ज कर लेते हो तो 60% वॉल्यूम में आपको यहाँ पर 60 आवर्स का बैकअप देता है। जी हाँ, 60 आवर्स का बैकअप ये आपको प्रोवाइड कर देता है। बटन्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, जैसा कि आप देख सकते हो। और पीछे में आपको दिया गया है इंडिकेटर लाइट, जिससे आपको पता चल सके कि इसके अंदर में बैटरी कितनी रिमेनिंग है। और ऑन और ऑफ करोगे तो यहाँ पे लाइट ब्लिंक होने लगेगा। वही नेकबैंड में जो वायर की क्वालिटी है वो भी काफ़ी बढ़िया प्रोवाइड की गई है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग वायर यहाँ पर बोट ने प्रोवाइड किया गया है, जो कि लॉन्ग टर्म यूज के लिए काफ़ी बढ़िया है। अब बात करते हैं गाइस हमारे मेन ईयरफोन्स की। यहाँ पर जो ईयरफोन्स है, यहाँ पर ये आता है मैग्नेट के साथ में, जैसा कि आप देख रहे हो। ब्लूटूथ 5.0 टेक्नोलॉजी का यहाँ पर यूज किया गया है और 10mm का डायनेमिक ड्राइवर यहाँ पर मिल जाता है, जिससे जो बेस और साउंड क्वालिटी है वो आपको बढ़िया मिल सके। और यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर साउंड आपको देखने को मिलेगा। इसका जो वायरलेस रेंज है वो है अप टू 10 मीटर। IPX5 वाटर रेसिस्टेंट के साथ में आता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो डिज़ाइन है वो काफ़ी टिल्ट रखा गया है, आपके कानों में काफ़ी बढ़िया से ये सेट होने वाला है। ईयर हुक्स आपको दिए गए हैं, तो कानों में अच्छे से ये सेट हो सकते हैं। और यहाँ पर जो इसकी क्वालिटी है मुझे काफ़ी बढ़िया लगी, काफ़ी पसंद आई और ये देखने में काफ़ी मस्त लगता है। लाइट वेटेड ये नेकबैंड है, तो यहाँ पर मुझे इसकी क्वालिटी यार काफ़ी पसंद आई। ओवरऑल यहाँ पर जो क्वालिटी है नेकबैंड की वो काफ़ी बढ़िया आपको मिल जाती है और टाइप सी पोर्ट दिया गया है इसको चार्ज करने के लिए। तो गाइस, ये थे मेरे फर्स्ट इंप्रेशन। अब गाइस, बोट रॉकर्स 330 प्रो को अपने मोबाइल के साथ हम पेयरिंग करने वाले हैं। तो राइट में आपको दिया गया है बटन्स, जिसको आप ऑन कर सकते हैं। यहाँ मिडिल में आपको दिया गया है पावर ऑन और ऑफ का बटन। चलिए इसे प्रेस करते हैं। इसे आपको लॉन्ग प्रेस करना है गाइस, और लॉन्ग प्रेस करने के बाद यहाँ पर जो मैग्नेट्स है इसे आपको सेपरेट कर देना है। और नीचे में आप देख सकते हैं
कि यहाँ पर जो लाइट है वो ब्लिंक हो रही है, यहाँ पर आपको ब्लू और रेड कलर की जो लाइट है वो ब्लिंक हो रही है और अब ये पेयरिंग के लिए रेडी है हमारा नेक बैंड। तो यहाँ पे हम चलते हैं मोबाइल में और मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन करते हैं। और जैसे मैंने ब्लूटूथ ऑन किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस कि बोट रॉकर्स 330 प्रो हमारे मोबाइल के साथ ऑलरेडी पेयर्ड हो चुका है। इन यूज फॉर कॉल्स एंड मीडिया प्लेबैक बैटरी लेवल 100%। तो इसके अंदर में अभी 100% बैटरी रिमेनिंग है गाइस। और यहाँ पे हम बहुत सारी म्यूजिक सुनेंगे, कॉल्स करेंगे, बताएंगे कि यहाँ पर आपको म्यूजिक क्वालिटी कैसी दी गई है, बेस कैसा है, साउंड क्वालिटी कैसी है, क्योंकि यहाँ पे 10mm का आपको ड्राइवर दिया गया है। तो चलिए यहाँ पे हम इसका यूज करते हैं और बताते हैं कि इसका परफॉर्मेंस आपको कैसा मिलता है। तो अगर बात करें कि बोट रॉकर्स 330 प्रो में आपको म्यूजिक क्वालिटी कैसी दी गई है, तो बात करते हैं बेस की। 10mm का आपको यहाँ पर ड्राइवर प्रोवाइड किया गया है जो कि काफी बढ़िया बेस प्रोवाइड करता है। आप कोई भी गाने सुनेंगे जिसमें बेस प्रेजेंट है तो आप डेफिनेटली इंजॉय करने वाले हैं, हमारे इंडियन यूजर को डेफिनेटली पसंद आने वाला है, हाई एंड बेस आपको मिल जाता है। अगर बात करें साउंड क्वालिटी की तो साउंड क्वालिटी भी काफी अच्छी आपको दी गई है। 100% वॉल्यूम में आप कोई भी गाने सुनेंगे तो आप इंजॉय करेंगे। यहाँ पे आपको क्रिस्टल क्लियर म्यूजिक दिया गया है, कोई भी गाने सुनोगे तो यहाँ पे जो बेस और साउंड की क्वालिटी है वो आपको काफी बढ़िया मिल जाती है। इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशंस काफी बड़े से काम करते हैं, वोकल्स एकदम क्लियर और क्रिस्टल है। बात करें अगर ट्रेबल की यानी हाई फ्रिक्वेंसी की तो यार वो भी काफी बड़े से काम करते हैं। मिड्स, लो और हाई सभी का कॉम्बिनेशन आपको मिल जाता है और आपको डेफिनेटली पसंद आने वाला है। ब्लूटूथ 5.0 टेक्नोलॉजी का यहाँ पर यूज किया गया है, कनेक्टिविटी आपको काफी बढ़िया मिल जाती है। 10 मीटर का जो वायरलेस रेंज है वो भी काफी बढ़िया से काम करता है। यहाँ पर मैं इसे यूज कर रहा हूँ और इसकी जो कनेक्टिविटी है वो काफी बढ़िया है। मॉर्निंग में अगर आप रनिंग कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो उसे पहन करके, तो कानों से जल्दी गिरते नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो ईयर हुक्स है वो काफी बढ़िया आपको दिया गया है और डिजाइन काफी टिल्ट है तो कानों में काफी बढ़िया से सेट हो जाता है। बात करते हैं यहाँ पे बैकअप की। अगर आप इसे 10 मिनट चार्ज करेंगे तो आपको 20 आवर्स का ये बैकअप दे देता है, लेकिन यहाँ पर मैंने इसे यूज किया है, अगर आप इसे 10 से 15 मिनट चार्ज करते हैं तो आपको ये 12 आवर्स का बैकअप देता है 100% वॉल्यूम में, और 60% वॉल्यूम में आपको 15 आवर्स का ये बैकअप दे देता है। वही इसके अंदर में 150 mAh की बैटरी आपको दी गई है जो लेता है 1 घंटे फुल चार्ज होने में, और यहाँ पर आपको 60 आवर्स का बैकअप ये दे देता है 60% वॉल्यूम में, और 100% वॉल्यूम में आपको 25 आवर्स का ये बैकअप प्रोवाइड कर देता है। डिपेंड करता है कि आपका यूजेस कैसा है। तो यहाँ पे आपको बैकअप अच्छा दिया गया है जिस प्राइस रेंज में ये लॉन्च हुआ है। ईयरफोन्स में जो मैग्नेट्स आपको प्रोवाइड किया गया है वो काफी बढ़िया से काम करता है, मैग्नेट्स काफी स्ट्रॉन्ग आपको दिए गए हैं और जब आप म्यूजिक सुन लेते हो तो आप अपने गले में इस तरीके से इसे आप हैंग कर सकते हो। तो यहाँ पर जो इसकी मैग्नेट्स है वो काफी बढ़िया दी गई है और ये जो मैग्नेटिक ईयर बड्स है काफी बढ़िया से काम करते हैं। बोट रॉकर्स 330 प्रो में आपको जो कॉलिंग क्वालिटी है वो भी काफी अच्छी दी गई है। इंडोर कंडीशन या आउटडोर कंडीशन में अगर आप कॉल्स वगैरह करते हैं तो आपको डिस्टॉर्शन महसूस नहीं होता है। क्राउड एरिया में भी मैंने बहुत सारे कॉल्स किए हैं और यहाँ पर मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसकी जो कॉलिंग क्वालिटी है वो भी आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाती है और जो बैटरी बैकअप है वो भी काफ़ी बढ़िया है। मैंने सामने वाले से बहुत देर तक बात किया है क्राउड एरिया में और सामने वाले की आवाज़ मेरे को एकदम क्रिस्टल क्लियर सुनाई देती है और मेरी आवाज़ सामने वाले को क्रिस्टल क्लियर सुनाई देती है। तो यहाँ पर कॉलिंग के लिए काफ़ी बढ़िया ये नेकबैंड है। बोट रॉकर्स 330 प्रो में आपको बीस्ट मोड दिया गया है जहाँ पर आपको सुपर लो लेटेंसी मिल जाता है। आप कोई भी गेमिंग्स वगैरह यहाँ पर प्ले करेंगे तो आपको यहाँ पर कोई भी लैग और कोई भी साउंड डिले देखने को नहीं मिलता है, तो ये काफ़ी बढ़िया बात है। मैंने यहाँ पर बहुत सारे गेम्स प्ले किए हैं, हैवी से हैवी गेम्स मैंने प्ले किया है और यहाँ पर जो साउंड क्वालिटी है वो अच्छी है, कोई भी लैग महसूस नहीं होता है और साउंड डिले महसूस नहीं होता है, सुपर लो लेटेंसी काफी बढ़िया से काम करते हैं। तो गाइस ये था हमारा अनबॉक्सिंग रिव्यू बोट रॉकर्स 330 प्रो का। काफी बढ़िया ये वायरलेस नेक बैंड है, 4 कलर्स में अवेलेबल है, लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया है, आप इसे परचेज कर सकते हैं। बेस काफी अच्छा है, साउंड क्वालिटी काफी बढ़िया आपको दिया गया है, 10mm का जो ड्राइवर है वो भी काफी बढ़िया से काम करता है, बैकअप आपको काफी बढ़िया मिल जाता है और यहाँ पर जो गेमिंग सुपर लो लेटेंसी आपको दिया गया है वो भी काफी बढ़िया से काम करता है, जो मैग्नेट्स है वो काफी बढ़िया से काम करते हैं ईयरफोन्स में, और यहाँ पर जो बटन्स है वो भी काफी अच्छे से काम करता है। ओवरऑल यहाँ पर जो क्वालिटी है नेकबैंड की वो आपको काफी बढ़िया मिल जाती है, डेफिनेटली आप इसे परचेज कर सकते हैं, लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।
तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन हमारे वीडियो की टाइमली मिल जाए। तो बस दोस्तों मैं परितोष साइनिंग ऑफ।